हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लूना सीनरी है उसके बारे में। तो तुम लोगों को उसे परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारे कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई, लूनर सीनरी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये इसके बारे में सारे कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई, सबसे ऑसम चीज़ मुझे देखने में लगा है ये भाई ड्रैगन, बहुत ही गज़ब का ड्रैगन है। मुझे तो बिल्कुल ही सैंगची का याद दिला दिया भाई, मार्वल्स का। क्या गज़ब लगता है यार वो ड्रैगन जो था, उसे बेस्ट CGI का अवार्ड भी मिला था ऑस्कर्स में। तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये ड्रैगन भी बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही में ये जो बगल में ट्री दिया हुआ भाई, ये तो मुझे अवतार मूवी का याद दिला रहा है, उसमें भी एक ऐसी ट्री रहता है जिसको वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत गज़ब का है। और ये भाई देखो, ये फिश अंडर वाटर वो लोग रहते हैं तो इसी में वो लोग इधर उधर होते हैं। एक्वामैन में भी ये रहता है, बहुत गज़ब का भाई। ये फिश का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है यार, जो भी। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे एक अच्छा सा मतलब स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, जिससे देख करके तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ना कोई चीज़ का एंट्री है। और यहाँ पे हम लोगों का पीछे तरफ एरिना है, यहाँ पे शायद कुछ फाइट वगैरह होगा, अंडर वाटर फाइट होगा मॉन्स्टर्स के और कोई भी चीज़ से, शायद वाटर ड्रैगन से ही हो जाए। और यहाँ पे कई सारे मतलब फायर क्रैकर्स रखे हुए हैं, पटाखे रखे हुए हैं हर जगह भाई, कहीं एक्सप्लोजन ना हो जाए भाई पानी के अंदर। पर हम लोगों को यहाँ पे एक ईस्टर एक देखने को मिल सकता है, हेयर डे का हम लोगों को यहाँ पे चिकन देखने को मिल सकता है। और साथ ही में मैंने यहाँ पे एक बनाना भी स्पॉट किया है। तो पूरे सीनरी में मैंने एक ही जगह स्पॉट किया है। तुम लोगों को अगर और कहीं दिखाई देता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ कहाँ रहते हैं, क्योंकि हर सीनरी पे COC वाले बनाना छोड़ के जाते हैं हम लोगों को, थोड़ा ऐसे टाइम पास के लिए हम लोग थोड़ा उसे खोज सकते हैं। तो मुझे एक ही मिला है, अगर तुम लोगों को और दिखाई देता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। यहाँ पे एक शिप हम लोगों को देखने को मिल सकता है जो कि टूटा हुआ है, इसके बारे में मैंने एक छोटा सा स्टोरी बनाया है, शायद सच भी हो। देखो ये शिप जो है हम लोगों का कुछ पार्सल वगैरह लेके जा रहा होगा, मतलब कुछ लूट्स वगैरह लेके जा रहे होंगे कहीं पे। तो यहाँ पे गॉब्लिन सीनरी का जो शिप है, गॉब्लिन्स के शिप होंगे, पायरेट शिप होंगे, वो लोग उस शिप को लूट लिया है और ये लोग लूट के जा रहे होंगे, तो इनके साथ भी कुछ हो गया तो ये भी डूब गया। ये शिप देख करके ना मुझे बिल्कुल ही गॉब्लिन सीनरी का याद आ जा रहा है भाई। जैसे गॉब्लिन सीनरी में कैसा था, पूरा चारों तरफ गोल्स भरे हुए थे, हर तरफ बोट भरे हुए थे, मतलब बहुत सही लग रहा था। तो मुझे लग रहा है ये शिप भी वही गॉब्लिन सीनरी जा रहा होगा, मगर बीच में कुछ हो गया तो उसी में ये यहीं पर चला गया, अंडर वाटर सीनरी पर आ गया ये। और प्लस हम लोगों के बेस के नीचे एक सीनरी देखने को, सॉरी एक पेवमेंट देखने को मिल रहा है, पाथवे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग के बेस के नीचे, जस्ट नीचे, कुछ और भी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो हम लोगों को अभी नहीं पता है। तो इसके बारे में भी होप्स हो कि कभी ना कभी हम लोगों को पता चले, या फिर COC वाले ही हम लोगों को कुछ इसके बारे में क्लू दे, हिंट दे। और यहाँ पे भाई देखो, कितने आराम से यहाँ पे सो रहा है भाई जायंट, कितना सही लग रहा है देखने में, जायंट हो गया। और यहाँ पे हम लोग का सातवां बिल्डर काम कर रहा है, ये ग्लास को भाई ठोक रहा है भाई, टूट जाएगा भाई, तू ही सांस नहीं ले पाओगे वापस से। और ये भाई बारबेन क्या हो गया, ऐसे ये फंस गया है या खुश है पता ही नहीं चल रहा है। और प्लस यहाँ पे बारबेन स्टैचू हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसके चेहरे पे एक स्टार फिश अटक गया है। और यहाँ पे हम लोग को ग्रैंड वार्डन का थोड़ा सा ईस्टर एग दिया गया है, हम लोगों ने वीडियो में देखा था, ग्रैंड वार्डन जो है एक शेल से निकल रहा था और इसके ऊपर देखो एक क्राउन भी देखने मिल सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली वही चीज़ है, शायद इस पर्ल के अंदर ये हम लोग का वार्डन जो है अभी छुपा हुआ होगा या बैठा हुआ आराम कर रहा होगा, तो अपने टाइम होते साथ वो निकलेगा बाहर यहाँ से। तो ओवरऑल ये सीनरी बहुत गजब का है, मेन तो ये ड्रैगन जो पूरे सीनरी को कवर किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, बहुत ही अमेजिंग सीनरी लगा है। अगर तुम लोग परचेस करना चाहते हो तो मेरे तरफ से भाई गो फॉर इट है, बिल्कुल ही मतलब वर्थ ऑफ मनी है, बिल्कुल ही ख़रीद सकते हो, बहुत ही अच्छी सीनरी है। अंडर वाटर सीनरी बहुत पहली बार आई है तो इसे छोड़ना मत भाई, अगर खरीद सकते हो तो खरीद लो, बहुत अच्छा सीनरी। होप सो वीडियो मज़ा आया होगा देखने में, अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।